नमस्कार। कन्या राशि सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि है इस समय, क्योंकि इसके ऊपर केतु चल रहा है। केतु को ज्योतिष शास्त्र में शिखी शब्द की व्याख्या करते हुए बताया है ऋषि मुनियों ने। केतु जो है जब दशम भाव एकादश या जिस राशि पर होता है, शिखी शब्द का मतलब होता है ध्वजा, झंडा। शिखी का मतलब सिर के ऊपर जो शिखा है, वो भी उच्च स्तर पर ले जाता है मनुष्य को केतु। अब यह सप्तम भाव में राहु भी है, दाम्पत्य जीवन को कई प्रकार की परेशानियां भी देता है। लेकिन हम जो खास तौर से वीडियो बना रहे हैं, वो इस बात के लिए, इस बात का परिचायक है, बृहस्पति ने कन्या राशि को क्या दिया और 30 अप्रैल के बाद जब इनके भाग्य भाव में बृहस्पति आएंगे तो इनको क्या शुभ और कौन कौन से अच्छे प्रभाव और कौन कौन सी शुभ सूचनाएं देने के लिए आएंगे। तो बात करते हैं अष्टम भाव में। इस समय बृहस्पति गोचर में चल रहे हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति जिस राशि का स्वामी है, वो ही अष्टम चला गया है और उस पर शनि की नीच दृष्टि है। इस स्थिति को देखते हुए कन्या राशि का स्वभाव चिड़चिड़ा तथा शारीरिक कष्ट, बीच बीच में आने वाली अनियमितताएं तथा फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। इन लोगों के दाम्पत्य जीवन में थर्ड पर्सन का इंटरफियर या उनके द्वारा इनके बीच में उत्पन्न समस्या कराना राहु केतु का एक सामान्य लक्षण होता है। लेकिन अब छठे भाव में समस्त कष्ट, परेशानी, व्यवधान, कंपटीशन, रुकावट, बाधाएं, इन सब को दूर करने के लिए शनि देव जो सृष्टि के न्यायाधीश हैं, छठे भाव में बैठ करके कन्या राशि को न्याय दिलाने के लिए आतुर हैं। और आपके सामने आने वाला कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अभी आने वाले कुछ समय में आपके लिए मंगल और शनि की युति जब आएगी और सूर्य भी षष्ठ भाव में आएंगे, तो आपके लिए नई नई खुशियां तथा आने वाली व्यवधान, परेशानी, बाधाएं, रुकावटें, उन पर ब्रेक लगाएंगे। खास तौर से बात कर रहे हैं बृहस्पति की। आपका जो चतुर्थ भाव है, जो सुख का भाव है, आपकी माता, मित्र, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, सुख सुविधाएं तथा समस्त जो रात को सोने के लिए सुख और चैन मिलता है, उस स्थान का स्वामी भी आपका चतुर्थ भाव है। अब आपके छठे भाव में शनि सब रोगों का नाश कर रहा है और भाग्य स्थान में जिस समय 30 अप्रैल को बृहस्पति आएंगे, तो जो अब तक व्यवधान, परेशानी, अनियमितताएं, निराशा तथा आपने जो मानसिक संताप झेला है, उसकी समाप्ति होगी और भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठ करके ये तो निश्चित है कि आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। और बृहस्पति बैठा कहां है? बृहस्पति मालिक होता है नवम भाव का। ज्योतिष शास्त्र में इसको संज्ञा दी गई है कारक भाव। कहां कहां का कारक है? लग्न, पंचम और नवम। और सबसे अच्छी बात यह, जिस चीज को लेकर के हम विश्लेषण कर रहे हैं, नवम भाव में बृहस्पति आने के बाद लग्न पर भी दृष्टि होगी, पंचम भाव पर भी नवम दृष्टि होगी और लग्न से नवम भाव भाग्य स्थान बृहस्पति होने से आपके सुख में निरंतर वृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ आपका भाग्य आपके साथ साथ चलता रहेगा। भाग्यम फलति सर्वत्र, शास्त्र कहता है। आप कितनी ही मेहनत करो, सुबह से शाम तक अगर भाग्य ठीक नहीं है तो करी हुई मेहनत पर पानी फिर जाता है। आपने देखा होगा कई कई बड़े बड़े इंजीनियर बहुत बड़े बड़े पुल बनाते हैं, अगर उनका भाग्य ठीक नहीं होता, उसमें क्रेडिट मिलने की का योग नहीं है कुंडली में, तो वो पुल गिर जाता है। कई पुल गिरते हुए हमने देखे हैं और बहते हुए देखे हैं। तो
कई बार जब भाग्य की कृपा, ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती है तो छोटा सा काम भी करेगा तो उसको प्रशंसा प्राप्त होती है। यह एक शास्त्रों का नियम है। इसके अलावा कन्या राशि के लिए आगे आने वाले 14 महीने कुछ कष्टकारक राहु केतु के कारण तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, एक कहावत आपने सुनी होगी, जब राहु केतु ऐसी स्थिति में आपको मानसिक ताप, संताप और व्यथा व्यथित करता है, मन को संतप्त करता है, ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति नवम भाव में आ गया हो तो आपके लिए जैसे ड्राई फ्रूट डालते हैं खीर के अंदर, केसर डालते हैं, तो वो उस खीर का स्वाद अनंत सुख प्राप्त करता है, देता है, आनंद आता है, स्वादिष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति आपके लिए सुंदर, अच्छे अच्छे अवसर और आपकी व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी आर्गुमेंट पावर बढ़ेगी और आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए ये बृहस्पति आया है। कई बार ऐसे आदमी होते हैं जिनकी तरफ को कोई देखता भी नहीं है, उससे बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब बृहस्पति आ जाता है तो उस व्यक्ति से सब पूछते हैं हाउ आर यू, और उससे पहले क्या पूछते थे जब ग्रह खराब होता है, हु आर यू, आप कौन हो। इसीलिए अब कन्या राशि के लिए आने वाला समय शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।